हेलो गाइस, राइजिंग मोटो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग निकलने वाले हैं पेट्रो, जो कि पेट्रो वाटरफॉल झारखंड में है। बहुत सिंह मेरा दोस्त आने वाला है, बस 5 मिनट में वो आ जाएगा। फ़ोन आया था उसका भी, और तुरंत हम लोग निकल जाएंगे। दिखाता हूँ पेट्रो, देखो बड़ा मस्त जगह है, मज़ा आ जाएगा। और फिर आस पास के हो तो आना भी। और इसको तो पहचानते ही होंगे, आ गया बाहू सिंह। क्या बाहू सिंह, कहाँ चलना है? पेट्रो ककोलत। चल, मेरे बाइक में फ्यूल कम है तो पहले फ्यूल ले लेता हूँ। हम लोग डायरेक्ट हाईवे से निकल जाते हैं, मार्केट से जाएंगे तो पता नहीं जाम में फंस जाएंगे। और जिसका डर था वही हुआ, ओवर ब्रिज से हम लोग नहीं गए, नीचे आए तो अब पटरी क्रॉस करना पड़ेगा। ट्रेन भी आ रहा है, रुक के जाता हूँ थोड़ी देर। भैया, अबे यार, मैं तो सोच रहा था पहले क्रॉस कर लेने का, ठीक हुआ पहले नहीं किया, अब कर रहा हूँ क्योंकि पहले ट्रेन भी आ गई थी। और इसमें मेरा चेचिस फंस जाता है दोस्त, निकालता हूँ बहुत ही मेहनत लग। और यहाँ अपने टायर का प्रेशर चेक कर लेता हूँ, हवा भरवा लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि लग रहा था कम है। और ये पहुँच गए हम लोग अब नैया पहाड़। यहाँ दारू का डेरी बहुत चेकिंग रहता है दोस्त, अगर जो झारखंड से ड्रिंकिंग करके आ रहे हो या कुछ भी दारू लेकर आ रहे हो तो यहाँ संभल कर जाना, नहीं तो पकड़ा जाओगे, इनलीगल काम मत करना। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं, ज़्यादा दूर है नहीं, पेट्रो यहाँ से होगा 25 किलोमीटर बस। और हम लोग पहुँच गए गोविंदपुर। गोविंदपुर ये पुलिस स्टेशन रहा, यहाँ चेक पोस्ट भी है, डेली चेकिंग होता है, इसके बाद आ जाएगा झारखंड, वहाँ से कुछ किलोमीटर होगा। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं झारखंड, ये देखो बोर्ड, झारखंड राज्य में आपका स्वागत है, थैंक यू। अब यहाँ से पेट्रो होगा वही समथिंग 18-20 किलोमीटर के लगभग, तो निकलते हैं। और ये रहा SSV कैंप झारखंड का, इनका रहना ज़रूरी भी है क्योंकि ये उग्रवादी क्षेत्र है, नक्सलाइट एरिया है इसीलिए। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं बांसुड़ी मार्केट, थोड़ा सा जाम है, यहाँ से राइट आएगा एक गेट, वहीं से जाना है हम लोग को, पेट्रो वहीं से जाएगा, यहाँ से 8-10 किलोमीटर होगा, तो पहुँच गए हैं, चलो निकलते हैं। यही है पेट्रो पहाड़, थोड़ा जंगल पेट्रो का। अरे ये अचानक से आ गया, अरे भाई थोड़ा संभल के संभल के, गाय का बच्चा है, कोई बात नहीं, बच गया। ये देखो यहाँ पे तालाब है, तो सब गाय लोग आए, गाय को लेके आया सब किसान पानी पिलाने। ये देखो ये पेट्रो जलप्रपात में आपका स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं पेट्रो, आगे जाके आपको दिखाते हैं, पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल, व्यू देखो। आगे हम लोग बाइक अपना पार्किंग में लगा देते हैं, और आज थोड़ा लग रहा है भीड़ तो है काफ़ी ज़्यादा, कोई बात नहीं, रस है, मज़ा आएगा। भीड़ नहीं रहता तो कोई मज़ा नहीं आता, अकेले आओगे डर लगेगा, ज़्यादा आदमी नहीं रहता तो लोकल का होता है ना, थोड़ा बहुत गाड़ी लगा दिया हूँ, दिखाता हूँ। तो बाबू सिंह नहाओगे? चलो चलो चले। ये रहा अपना गाड़ी पार्किंग में, हेलमेट भी ऊपर लेके जाएंगे, पता नहीं नहीं तो कोई चुरा उरा लिया तो। यहाँ सब मटन या चिकन जो भी लेके आता है बनाता है, देखो उधर भी। यहीं से जाना है ऊपर हम लोग को, देखो यहाँ भी नहा सकते हो नीचे, नहीं कि नीचे गंदा पानी है, थोड़ा ऊपर नहीं जा सकते तो। और ऐसे नहाने के लिए वो रहा मंदिर के पास, वहाँ आपको जाकर दिखाते हैं, वहाँ से नीचे का व्यू दिखाते हैं। यहाँ देखिए चिकन उकन बन रहा है। कि भाव सिंह कहने भी ला कनारे, चल मंदिर के पास। यहाँ मंदिर के पास वाला वाटरफॉल के पास पहुँच गए हम लोग, ऊपर वाले पे आपको जाके दिखाते हैं। और
देखो यहाँ इस रास्ते से हम लोग को जाना है ऊपर, देखो मंदिर के पास से हम लोग आ रहे हैं, देखो कैसा है, पत्थर पे पूरा चढ़ के आना पड़ रहा है। और ये रहा नीचे का व्यू, आगे से दिखाते हैं और लोग को जाना है उस तरफ। देखो एक भाई आ रहा है, कितना मुश्किल से बाबू सिंह जा रहा है, आराम से बाबू सिंह। बस पहुंच गया ना, अब मेरी बारी, हालत खराब। अरे यहाँ बहुत बोतल फूटा हुआ है शीशा का, देखो उस भाई का पैर कट गया है, बहुत ब्लडिंग हो रहा है। तो जो भी आओ आराम से नहाओ। देखो ये सब भाई चिकन बना रहे हैं, लोकल ही हैं, इनका सब्सक्राइबर है 37 के, शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं। दोस्त बताओ यहाँ के बारे में, यहाँ के बारे में बताओ कुछ लोकल हो। बस यही बता सकते हैं कि यहाँ का वाटरफॉल बहुत ही अच्छा है और हम लोग बांसुरी से 8 किलोमीटर लगता है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है ये। इंजॉय करो, चिकन बनाओ खाओ। यहाँ से नीचे का व्यू नहीं दिख रहा, नीचे जाके दिखाएंगे। इसके ऊपर 6-7 और है अभी वाटरफॉल ऊपर जाके, लेकिन ऊपर पहाड़ पे जाना बहुत ही मुश्किल है तो नहीं जा रहे। ये रहा बाबू सिंह नहाते हुए। कि बाबू सिंह ठीक है? और ये नवादा की तरफ से ही आए हैं। आप बिहारी भैया के झारखंडी है? हम लोग नहा लिए हैं और यहाँ देखो इन लोग को दिखाते हैं। देखो ये बाबू सिंह जा रहा है वापस नीचे। कि बाबू सिंह आराम से, आराम से, कोई दिक्कत ना है। को नीचे का सीन दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ जाना है, मेरा बाइक लगा हुआ है ना। ऊपर डर लगता है पहाड़ पे जाना, फालतू में गिर भी गया तो बचने का कोई उपाय नहीं है। आगे 10 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। ये देखो व्यू, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। और शाम में यहाँ 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद आना मत, नेस्लाइट रहता है, उग्रवादी क्षेत्र है ये, तो 4 बजे के बाद बिल्कुल ही मत आना। अगर जो बाहर से आ रहे हो आना है तो 1-2 बजे तक पहुंच जाओ, 1-2 घंटा नहाओ फिर चल जाओ। ये रहा मंदिर के पास का सीन, इससे ऊपर 3-4 गो है वाटरफॉल, वहीं से सब पानी आता है, लेकिन ऊपर उतना कोई जाता नहीं है, भालू मिल जाएगा और भी जंगली जानवर मिल जाएंगे आपको। ये रहा शंकर जी का, ये हनुमान जी का। चलो अब चलते हैं नीचे, चलते हैं अब नीचे दोस्त, अब यहाँ से निकलना है घर की ओर। कि बाबू सिंह चले, चल अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। टाइम भी हो गया 3:30 हो गया दोस्त, देखो 3:30 बज गया, निकलते हैं हम लोग। बाय बाय पेट्रोल, चलो कोडरमा वन प्रमंडल पेट्रोल जल प्रपात में आपका स्वागत है। यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो अब पसंद आया ही होगा, लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। आगे बिहार में कहीं का भी ब्लॉग चाहिए तो बताना। थैंक यू, बहुत सारा प्यार देना दोस्त, थैंक यू।